राष्ट्र महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 6 और 7 अगस्त को राउरकेला में संपन्न होने जा रही है। आज इस बैठक का अभी विधिवत शुभारंभ हुआ है। अपनी इस 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, चाहे तमिलनाडु केरल से हो या फिर मेघालय से हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राउरकेला में आए हुए हैं। और ये चूंकि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वर्ष भी चल रहा है और विद्यार्थी परिषद की स्वाधीनता के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ है, तो इस नाते से आगे आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु हम क्या करने का प्रयास करेंगे, या फिर जो शिक्षा जगत में समस्याएं चल रही हैं उसके निवारण हेतु हम क्या प्रयास करने वाले हैं, प्रकृति के संतुलन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, या छात्र समुदाय में संवेदना आदि जागृत करने के लिए किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, इन सभी विषयों को लेकर के अपने 2 दिवसीय इस विचार, अपनी जो हमारी बैठक है इसमें मंथन किया जाने वाला है। राउरकेला तो पहली बार ही आना हुआ है और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे राउरकेला में आने का अवसर मिला है। ऐसा राउरकेला स्थान जो कि स्टील प्लांट के विषय में हो या फिर उड़ीसा की यदि पूरी बात करें, तो अभी चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी को देना हो और पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर यदि किसी ने दिया है तो उड़ीसा प्रदेश ने दिया है। तो इस नाते से मैं पूरे प्रदेश का भी धन्यवाद करती हूँ। और पहली बार उड़ीसा मतलब राउरकेला तो पहली बार आना हुआ है, परंतु इससे पूर्व में कई स्थानों पर जाना हुआ है। उम्मीद करती हूँ पहली बार आए हैं पर अंतिम बार नहीं होगा। विद्यार्थी परिषद की ये हमेशा से चिंता रही है कि पूरे भारत का जो छात्र समुदाय है उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। और इसी नाते से अगर विद्यार्थी परिषद के प्रयासों की बात करें तो आज जिस प्रकार से प्रदूषण और बाकी बातें देखने में आ रही हैं, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक विद्यार्थी समुदाय का एक रिश्ता बनना चाहिए। उस नाते से विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से 1 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य लिया है। ऐसे ही पूरे विद्यार्थी समुदाय में मेरा पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी मेरे परिवार का ही व्यक्ति है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके भीतर संवेदना जगाने के लिए स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों की ब्लड डिटेक्शन करना और उसकी डायरेक्टरी, ब्लड डायरेक्टरी बनाने का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। तो इस नाते से, इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद आज जो है वो पूरे देश भर में जो शिक्षा जगत में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उस व्यक्ति के भीतर संवेदना जागृत करना और जो शिक्षा है वो व्यवसाय का माध्यम ना बने, व्यवसाय से ऊपर उठ करके शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी सिर्फ ये नहीं कि बैग लेकर के गया, शिक्षा ग्रहण किया और वापस चलाया, अपितु समाज के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। इस नाते से ध्यान में देते हुए विद्यार्थी परिषद आज एजुकेशन सेक्टर में अपने आंदोलनों को रन कर रहा है, अपने अभियानों को चला रहा है। देखिए जिस प्रकार से अभी वो, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से राज्यपाल की शक्तियों को छीन करके एक राज्य विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है, ये सीधे तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप है। उस हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों को, क्योंकि यदि राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही अनुसार उस संस्थान को चलाने का प्रयास करेंगे, अपने एजेंडे पर चलाने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण देती हूँ आपको, पश्चिम बंगाल में TMC का छात्र संगठन है और वो छात्र संगठन जब चुनाव लड़ा, वहाँ पर वो चुनाव जीत करके आए, उनके पदाधिकारियों के जीतने के बाद से वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए हैं। क्यों? ताकि लंबे समय तक TMC के जो मुखबिर हैं, जो TMC की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वही छात्र संघ में रह जाए। तो ये पूरे तरीके का एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो हमें इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रहा है। इस नाते से विद्यार्थी परिषद ने अपनी आवाज़ को उठाया है कि जितने भी संस्थान हैं उनको ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए, पॉलिटिक्स से मुक्त होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी परिषद जिस भी परिसर में ऐसे लोग जो कि देश के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को गाली देते हैं, देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों को पूजने की बात करते हैं, उनके विरुद्ध में विद्यार्थी परिषद वहाँ डट करके खड़ा हुआ है। और जहाँ जहाँ पर ऐसी आवाज़ें उठेंगी उन आवाज़ों को संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से दबाने का प्रयास और उनको लीगल तरीके से सुधारने का प्रयास विद्यार्थी परिषद करती रहेगी।